सब्सक्राइब करें तो लिखा उस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट कुकिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तुलिका एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ राजगीरा के आटे से बने बिस्किट की रेसिपी शेयर कर रही हूं। ये बिस्किट्स हेल्थ के लिए और खास तौर पे डायबिटीज पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि इसमें काफी मात्रा में कैल्शियम और आयरन होने के साथ साथ ये बिल्कुल शुगर फ्री भी बनते हैं। राजगीरा आटे से बने ये बिस्किट्स खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी होते हैं और इनको बनाने में हमें करीब 30 से 35 मिनट लगते हैं। राजगीरा बिस्किट बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बड़े बोल में 1 कप राजगीरा आटा, 1 कप गेहूं का आटा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून खड़ा जीरा, 1 टीस्पून दरदरी पीसी गोल मिर्च और 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी डाल के सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून तेल मोयन के लिए डाल देंगे और फिर इस तरह हाथों से रगड़ते हुए सब कुछ मिला लेंगे जब तक कि तेल अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तेल के अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब बारी आती है आटा गूंथने की। इसके लिए हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए एक सख्त आटा तैयार करेंगे। 1 कप राजगीरा आटा और 1 कप गेहूं के आटे के लिए मैंने यहाँ करीब 1/2 कप पानी यूज किया है। ध्यान रखें, बिस्किट का आटा तैयार करते वक्त आटे को बहुत ज्यादा गूंथना नहीं चाहिए, वरना बिस्किट्स क्रिस्पी नहीं बन पाते हैं। अच्छे क्रिस्पी बिस्किट बनाने के लिए बस सब कुछ अच्छे से मिक्स होने तक ही आटा गूंथना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। अब फाइनली बारी आती है बिस्किट बेलने की। इसके लिए हम सबसे पहले अपने तैयार किए आटे को 2 हिस्सों में बांट लेंगे, जिससे हमें बिस्किट बेलने और उनको बेक करने में आसानी हो। अब हम बेलने की जगह और बेलन दोनों पे हल्का सा तेल लगा लेंगे और फिर हल्के हाथों से इस तरह बेलते हुए रोटी या पराठे जितना पतला एक शीट तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम एक चाकू या कटर की सहायता से अपने मनपसंद शेप या साइज का बिस्किट काट लेंगे। मैंने यहाँ चौकोर शेप के बिस्किट तैयार किए हैं। आप चाहे तो गोल, त्रिकोण या किसी भी आकार में अपने बिस्किट तैयार कर सकते हैं। बिस्किट को अब हम एक बेकिंग शीट पे इस तरह फैला लेंगे और फिर इन्हें ओवन के बीच वाले रैक में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे करीब 15 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे। 15 मिनट बाद हम बिस्किट की ट्रे को बाहर निकाल के सारे बिस्किट्स को एक बार इस तरह पलट देंगे, जिससे वे दोनों तरफ बराबर बेक हो सकें। बिस्किट को पलटने के बाद अब हम दोबारा उन्हें 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 15 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख देंगे, जब तक कि सारे बिस्किट्स अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। ये देखिए, अब हमारे बिस्किट्स बनके बिल्कुल रेडी हैं। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह अपने बाकी आटे के भी बिस्किट तैयार कर लेंगे। राजगीरा आटे से बने ये बिस्किट्स बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। इन्हें पूरी तरह से ठंडा करने के बाद इन्हें एक एयरटाइट कंटेनर में डाल के आप काफी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। इन बिस्किट्स को चाय के साथ या हल्के नाश्ते की तरह खाने का मजा ही कुछ और है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं अगली बार फिर मिलूंगी आपके साथ एक और मजेदार रेसिपी लेके।